निर्भया से पहले किरण नेगी। 9 फरवरी 2012 को पौड़ी गढ़वाल की हमारी ये बेटी जो दिल्ली में काम कर रही थी उसके ऊपर निर्भर करता था, उसके परिवार की बेहतरी, उसके भाई बहन के पढ़ाई की। मगर क्या हुआ उस बेटी के साथ? ये वो तारीख है जिस दिन 3 लड़कों ने उसके और उसकी सहेलियों को अगवा करने की कोशिश करी, फिर अगवा कर लिया, एक खेत में लेकर गए, वहां पे उसका बलात्कार हुआ। मेरी शर्म से आंखें झुक जाती है ये सोचते हुए कि ना तो मीडिया ने इस खबर को उठाया, ना उस बेटी को आज तक न्याय मिला। जानते हैं उस बेटी के साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसकी आंखों में, सुन लीजिए अच्छी तरह से, तेजाब डाल दिया गया, पेचकस से उसकी आंखों को फोड़ दिया गया और फिर उसके गुप्तांग में एक बोतल डाल दी गई। इतना जघन्य अपराध और हम बैठे हैं देख रहे हैं, क्या न्याय नहीं मिलेगा इस बेटी को? 9 फरवरी 2012 से करीबन 14 फरवरी 2012 तक उस बेटी की लाश सड़ती रही, इस बेटी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये एक गरीब घर की बेटी थी, हमारे उत्तराखंड की बेटी थी। मैं उत्तराखंड के लोगों से कहती हूं, मैं आह्वान करती हूं पूरे भारत से, ये भारत की बेटी थी। गरीबी और अमीरी से बेटी की असमत को मत तौलिए, उसको न्याय दिलवाना है इसलिए अपनी आवाज को उसके लिए बुलंद करिए। उसके माता पिता के बारे में सोचिए जिनकी ये बेटी चली गई, जिसके ऊपर कितना विश्वास करा उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने कितना काम किया होगा, कितना हौसला रखा होगा कि ये बेटी अगर जीवन में आगे बढ़ गई तो हमारा परिवार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन 2012 से आज तक इस बेटी को न्याय नहीं मिला है। जो मैंने सुना है वो ये है कि कुछ ही दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है लड़की के माता पिता की तरफ से अर्ली हियरिंग के लिए। क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा? क्या आप और मैं इस बेटी को न्याय दिला सकेंगे? उत्तराखंड की आवाज को बुलंद करना है, इस बेटी को न्याय दिलवाना है, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि हमारी किसी भी बेटी के साथ इस तरह से कोई भी जघन्य अपराध कर सके।